बात ये नहीं है कि एकनाथ शिंदे कहाँ है क्या करे, उनको मुंबई में तो आना ही पड़ेगा ना। जब तक वो मुंबई में नहीं आते, जब तक जहां से वो चुनकर गए हैं महाराष्ट्र से, उनके साथ जो विधायक है वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य है, उनको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, यहाँ वहां दर दर की ठोकरे खाकर मत घूमिए, महाराष्ट्र आपका है। पहले सूरत में गए, सूरत से गुवाहाटी में गए, अब मैं सुन रहा हूँ गुवाहाटी से गोवा में जा रहे हैं। क्या जरूरत है सब करने की? जो बातें आपके मन में है वो आप यहाँ हमारे सामने बैठकर, उद्धव जी के सामने बैठकर भी बात कर सकते थे। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी और सहारा लेना पड़ा सूरत से गुवाहाटी तक। मुझे लगता है ये कोई एक सच्चा शिवसैनिक का आत्मसम्मान नहीं है, ये मानता हूं मैं, ये प्रतिष्ठा नहीं है शिवसैनिक की। आप अपने आप को अगर शेर कहते हो तो ये शेर की इज्जत नहीं है। मेरी मेरी और उनकी लगभग दर दिन बातचीत हो रही है, उनके साथ जो विधायक है उनके साथ भी मेरा संवाद और संपर्क चल रहा है, हम बात कर रहे हैं। देखिए वो हमारे दुश्मन नहीं है, हमने सालों साल एक साथ काम किया है, हमारा एक रिश्ता है। वो रिश्ता सिर्फ पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर नहीं है, खून का रिश्ता है, पार्टी का रिश्ता खून का रिश्ता है। देखिए हमारे पास अब 55 विधायक विधानसभा में है, उसमें से मैं मानता हूं सभी विधायक चले गए, जाने दो कागज पे, विधायक जाने का मतलब पार्टी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। विधायक चले जाते हैं, पार्टी खड़ी रहती है, वापस विधायक चुनकर लाते हैं। दो बार बगावत हुई है, नारायण राणे ने बगावत की, छगन भुजबल ने बगावत की, उनके साथ भी विधायक चले गए, लेकिन चुनाव में उसमें से एक भी विधायक वापस चुनकर नहीं आया महाराष्ट्र में, उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। इस बार भी जो विधायक रहेंगे उनके साथ, समझ लीजिए उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। दूसरी बात, महाराष्ट्र की जनता अब सड़क पर उतर गई है। आज 10 जगह पे जो विधायक चले गए उनके घर पर, उनके कार्यालय के ऊपर बड़ी संख्या में लोगों ने मोर्चा निकाला है, आंदोलन किया है। ये तो एक स्टेप है, आगे आगे देखो क्या होता है। ठीक है, रणनीति की बात तो नहीं है, हम तो जो विधायक जहां कहां छुपा कर रखे किसी स्टेट में, वो आने का इंतजार कर रहे हैं। पवार साहब तो हमेशा महाविकास आघाड़ी की प्रेरणा रहे, ऊर्जा रहे हैं, और आज भी हम सब लोग एक साथ, कांग्रेस हो, एनसीपी, शिवसेना, मुख्यमंत्री, लड़ने के मूड में हम लड़ेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी, और लड़ेंगे सड़क पर भी, हर हर स्थान पर लड़ेंगे हम। कानूनी लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन हर लड़ाई को हम तैयार है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट में जहां बीजेपी का शासन नहीं है वहां की सरकारें तोड़ फोड़ कर अपनी सरकार बनाना चाहती है, ये देश के सामने, लोकतंत्र के सामने एक बड़ा आह्वान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे देश भर का माहौल ऐसा है कि महाराष्ट्र के मुद्दे पर पूरा देश का विपक्ष एक साथ आ रहा है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, पूरे देश से हमको समर्थन मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो खेल शुरू किया है, ये जो आग लगाई है, इस आग में जलने वाले वही है।